हरे कृष्णा। आज कामिका एकादशी है, आइए इसकी कथा और महात्म्य जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक कथा सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवन मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदाश्रणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसका महात्म्य बहुत है, अब इसे जानो। इस एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों के साथ दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को भी मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा भी हो जाती है। जो पापों की वजह से इस संसार में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है
उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली, अतः मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में चला जाता है। हरे कृष्णा।